हाय गाइस, मैं दीपेश सिन्हा, टीम द रेड फाइट कैरियर सॉल्यूशन से। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि ये नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर क्या है तो देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हम यहाँ लिखे 4, 5, 6 ऐसे से कुछ भी, कोई भी आगे तक इंफिनिटी तक लिखेंगे अगर, तो ये है नंबर्स, ये है नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं 94, तो 94 क्या है? 94 भी एक नंबर है, लेकिन इसमें दो डिजिट है। डिजिट मीन्स अंक, कि ये नंबर कितने अंकों का, जैसे ये 1 डिजिट का नंबर हुआ, ये 2 डिजिट का नंबर हुआ, ये 3 डिजिट का नंबर हुआ, तो ये हुआ डिजिट, ठीक है। जैसे इसमें 4, 5 and 3 डिजिट एंड द नंबर इज 453, ठीक है। इसे हम कहते हैं नंबर। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अब जैसे यहां पे मैंने लिखा 453, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 453। तो 453, अब भाई हम 4 को 400 क्यों पढ़े, पता है? क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। तो अब जानते हैं कि प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है, उसको क्या कहेंगे, कैसे प्लेस वैल्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखिए प्लेस वैल्यू जो है, ये प्लेस वैल्यू सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब दोनों में जो है थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देखते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूं, 9876543 2 1, ठीक है। तो देखिए, तो 1 जो है, 1 कहां है, 1s प्लेस पे है। 2 जो है वो 10s प्लेस पे है। 3 100 प्लेस पे है। 4000, 5 10000, 10 lakhs, फिर 10 lakhs, उसके बाद करोड़, एंड द लास्ट वन इज 10 crore, ठीक है। तो ये इसके प्लेस हुए। जैसे आप कोई पूछ ले 6 किस प्लेस पे है, तो देखिए 6 जो है वो लास्ट प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 lakh, क्या हो जाएगा, 6 lakh, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू जानते हैं, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हुआ। जैसे 1 हो गया 1s पे, 2 10s, 300, 4000, 5 10000, 6 जो है लाख, 7 जो है 10 lakh, एंड 8 इज करोड़, एंड 9th वन इज 10 crore। ये हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सिमिलरिटी ये है कि ये 1s, 10s, 100, 1000, 10000 इतना जो है सेम है, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी, दोनों में यहां तक सेम है। इसके बाद ये जो 6 है ना, 10000 के बाद हो जाएगा 100000, NDREAD 100, THOUSAND, ठीक है। उसके बाद 7 जो है वो आ जाएगा मिलियन में, MILLION, एंड 8 इज
10 मिलियन, 10 MILLION मिलियन, एंड द नाइन्थ इज 100 मिलियन. ठीक है, तो ये हुआ आपका. अब इन दोनों में देखिए, सबसे पहले ये जो है इंडियन, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़, मींस यहां तक तो आया. ठीक है, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड हुआ, फिर हम चेंज कर दिए, लाख, टेन लाख, टेन लाख हुआ, फिर चेंज कर दिए, करोड़, टेन करोड़, तो ऐसे दो पे चेंज कर रहे हैं. ठीक है, और इंटरनेशनल में क्या है, 10,000 हुआ, उसके बाद 100,000, मतलब तीन ले रहे हैं, तीन का गैप, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो मिलियन के बाद फिर चेंज करेंगे, फिर आ जाएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो उसमें तीन तीन पे चलता है, इस पे पहला, थर्ड, और उसके बाद दो दो, ऐसे चलता है. ठीक है, तो ये हुआ आपका इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. अब हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि कॉमा जो होते हैं, कॉमास, वो हम कहां पे लगाते हैं. इंटरनेशनल में अलग होता है और इंडियन में अलग होता है, बस क्वाइट एकदम छोटा सा डिफरेंस होता है, अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. ठीक है, तो देखिए यहां पे सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है, 9876543211. अब एक तरफ हम देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू में हम कैसे लगाते हैं, एक तरफ देखते हैं इंटरनेशनल में. ठीक है, तो देखिए यहां पे इंडियन में क्या करते हैं हम, ये देखिए शुरू का वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, यहां पे लगा है, फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, ऐसे चलता है. मींस पहला वाला जो कॉमा लगेगा वो तीन डिजिट के बाद, उसके बाद दो डिजिट के बाद, फिर दो डिजिट के बाद, और फिर दो डिजिट के बाद. ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेशनल में क्या करते हैं. देखिए पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, फिर मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. तो दोनों में क्या है, पहला कॉमा हमेशा, एक चीज याद रखना है हमेशा, कि आपको जब भी कॉमा लगाने के लिए क्वेश्चन अगर ऐसा आए, आगे एक साइड में क्वेश्चन मिलेगा, जब भी कॉमा लगाना हो तो हमेशा राइट साइड से, मतलब नंबर के पीछे से हम लोग गिनेंगे, पीछे से कॉमा लगाएंगे, ये नहीं कि आगे से इधर दो पे, ऐसे ऐसे नहीं, कभी नहीं, हमेशा पीछे साइड से, इंडियन हो या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसमें हमेशा कॉमा पीछे से ही लगाएंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें पीछे से चलते हैं, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, यहां पे लगा दिए हम कॉमा, उसके बाद चेंज होगा थाउजेंड आएगा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर यहां पे मतलब फर्स्ट कॉमा जो है थर्ड डिजिट के बाद, उसके बाद दो डिजिट के बाद, फिर दो डिजिट के बाद, ऐसे कंटिन्यू चलेगा. ये हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू. और इंटरनेशनल हुआ क्योंकि तीन तीन पे चलता है, इसमें पहला वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. तो यही डिफरेंस है इसमें है कि पहला तीन डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद दो दो डिजिट के बाद, इसमें कंटिन्यूअसली तीन तीन डिजिट के बाद ही कॉमा लगेगा. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं. तो देखिए यहां हुआ वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद चेंज होगा थाउजेंड, टेन थाउजेंड, थाउजेंड वाला एक हो गया, फिर लाख वाला हो गया, फिर करोड़ वाला हो गया, तो इसलिए हम ऐसे कॉमा लगाते हैं. और इसमें भी देखिए जहां जहां पे चेंज हुआ है वहां वहां हम कॉमा लगाए हैं. तो ये हुआ कॉमा पुट करने का तरीका. ठीक है, तो आप लोग इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा. आज के इस वीडियो में बस इतना ही.
अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।